बोली राधे रानी सरकार की। तो महाराज जब लोगों ने जाना कि ध्रुव जी महाराज आज भगवान के दर्शन करने के बाद में आज आ रहे हैं, तो जितने भी लोग थे ध्रुव जी महाराज को देखने के लिए लालायित हो गए। उन्होंने कहा जाकर के देखना चाहिए। महाराज आज लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सब लोगों ने कहा और महाराज ने कहा मेरा लाला बहुत दिनों बाद भगवान की प्राप्ति करने के बाद में आ रहा है। तो महाराज रथ को भेज दिया गया और जो ही रथ को भेजा ध्रुव जी महाराज ने मना कर दिया। आज पैदल ही आते हैं और सबसे पहले कहा कि मुझे मेरी मौसी से मिलना है। मेरे प्यारे आज जो ही आज मौसी ने जाना कि आज ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं भगवान का दीदार करने के बाद, आज मौसी ने पहले से ही बांदी से कह दिया कि ऐसा करना आज गेट लगा देना और गेट खोलना मत। और जो ही ध्रुव जी महाराज आज मौसी के पास में आते हैं, महाराज दरवाजे लगे हुए थे और कहा मौसी दरवाजा खोलिए, देखिए वही तुम्हारा सौतेला बेटा आ गया है मौसी। अब तो महाराज सुरुचि दरवाजे को नहीं खोल रही है। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं मौसी दरवाजे तो खोलिए, और जो ही कुछ देर कहते रहे आज दरवाजा जैसे ही खोला और कहा मौसी आपकी ही देन है जो मैंने आज भगवान को प्राप्त कर लिया। अगर तुमने मुझसे कहा ना होता कि जाओ जा करके जंगल में जाओ और भगवान का दीदार करो जाके, तब तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अवसर प्रदान होगा। तो मौसी मैंने कभी भगवान को प्राप्त ना कर पाया होता। मौसी आप धन्य हैं, आपने ही मुझे जो भगवान के दर्शन करवा दिए। आज इसके बाद में ध्रुव जी महाराज आज अपनी मैया से मिलने के लिए जाते हैं और महाराज इतना समय हो गया रोते 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 आज मैया के नेत्रों से मैया अंधी हो चुकी थी। और जैसे ही आज अपनी मैया के पास में ध्रुव जी महाराज पहुंचे, मैया की आंखें जा चुकी थी और जो ही मैया के पास में गए चरणों को स्पर्श किया, कहा मैया मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही सुना कि मेरा बेटा आ गया, मैया ने एकदम से अपने बेटा को गले से लगा लिया और भगवान से कहा कि प्रभु जैसे मेरी माँ थी वैसे ही मेरी माँ को नेत्र दे दीजिए, इच्छा पूर्ण की है। बोली वाके विहरियाल की, बोली राधे रानी सरकार की। और वरदान मिला था प्यारे 36,000